शेरा नाम का शेर जंगल के सबसे कुशल और क्रूर शिकारियों में गिना जाता था। अपने दल के साथ उसने न जाने कितने भैंसों, हिरणों और अन्य जानवरों का शिकार किया था। धीरे धीरे उसे अपनी काबिलियत का घमंड होने लगा था। एक दिन उसने अपने साथियों से कहा, आज से जो भी शिकार होगा उसमें सबसे पहले मैं ही खाऊंगा, उसके बाद ही तुम में से कोई उसे हाथ लगाएगा। शेरा के मुँह से ये सी बातें सुनकर सभी अचंभित थे। तभी एक बुजुर्ग शेर बोला, अरे तुम्हें आज अचानक क्या हो गया है, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? शेरा बोला, मैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं कर रहा, जितने भी शिकार होते हैं उसमें मेरा सबसे बड़ा योगदान होता है, मेरी ताकत के दम पर ही हम इतने शिकार कर पाते हैं, इसलिए शिकार पर सबसे पहला मेरा ही हक है। अगले दिन एक सभा बुलाई गई। अनुभवी शेरों ने शेरा को समझाया, देखो शेरा, हम मानते हैं कि तुम एक कुशल शिकारी हो, पर यह भी सच है कि बाकी लोग भी अपनी क्षमता अनुसार शिकार में पूरा योगदान देते हैं, इसलिए हम इस बात के लिए राजी नहीं हो सकते कि शिकार पर पहला हक तुम्हारा हो। हम सब मिलकर शिकार करते हैं और हमें मिलकर ही उसे खाना होगा। शेरा को ये बात पसंद नहीं आई। अपने ही घमंड में चूर वह बोला, कोई बात नहीं, आज से मैं अकेला ही शिकार करूँगा और तुम सब मिलकर अपना शिकार करना। और ऐसा कहते हुए शेरा सभा से उठकर चला गया। कुछ समय बाद जब शेरा को भूख लगी तो उसने शिकार करने का सोचा। वह भैंसों के लिए झुंड की तरफ दहाड़ते हुए बढ़ा, पर यह क्या, जो वैसे उसे देख कर काँप उठते थे, आज उसने आने पर जरा भी नहीं घबराए, उल्टे एकजुट होकर उसे दूर खदेड़ दिया। शेरा ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैं हिरणों का शिकार कर लेता हूँ, और वह हिरणों की तरफ बढ़ा। पर अकेले वो कहाँ इन फुर्तीले हिरणों को घेर पाता, हिरण भी उसके हाथ नहीं आए। अब शेरा का एहसास हुआ कि इतनी ताकत होते हुए भी वो बिना दल के सहयोग के एक भी शिकार नहीं कर सकता। उसे पछतावा होने लगा। अब वह टीम वर्क की इम्पोर्ट समझ चुका था। वह निराश बाकी शेरों के पास पहुंचा और अपने इन व्यवहार के लिए क्षमा मांग ली और एक बार फिर जंगल उसकी दहाड़ से कांपने लगा। फ्रेंड्स, चाहे आप स्पोर्ट में हो, कोई भी कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करते हो या कोई बिजनेस करते हो, टीम वर्क की इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। टीम का हर एक मेंबर इम्पोर्टेंट होता है और किसी भी गोल को अचीव करने के लिए छोटा या बड़ा रोल प्ले करता है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।